सर, सॉरी सर। मैं पंकज कुमार, जूम के सेशन में सभी रूनोवियंस को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं वंदन करता हूं। दोस्तों, आज का आप लोग सेशन जो आए हुए हैं, बहुत ही अपना कीमती समय आप लोग यहां दे रहे हैं, और मुझे ये पता है कि हमारे यहां जितने भी रूनोवियंस मंच में जुड़े हुए हैं, सफलता उनको चाहिए हर हाल में, इसीलिए वो मंच में टाइम पे वो 7 बजे आ जाते हैं। वो कुछ भी काम कर रहे हो, अपना काम को वो छोड़ दे रहे हैं और ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो ये वही कर सकते हैं जिनमें सीखने की क्षमता हो, सीखने का हुनर हो, सीख सकते हैं और अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहाना बनाएंगे, माय डियर फ्रेंड, अगर आप बहाना बनाएंगे तो बहाना किसके लिए बनाएंगे? ठीक है, अगर आप बहाना बनाएंगे कि नहीं सर, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास और कुछ नहीं है, ठीक है, हम बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बहाना बनाने से आप पैसे वाले कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि अगर आप गरीब रह गए तो आपका बाल बच्चा भी गरीब रह जाएगा। आप लोग देखते होंगे अपने एरिया में कि जिसका भी अगर दादाजी का अगर प्रॉपर्टी है, दादाजी, ठीक है, तो देखिएगा उसका बाबूजी जो, मतलब जो उनके फादर होंगे, ठीक है, मतलब जैसे बोल दें, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं थोड़ा सा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं, मेरे बाबूजी के पापा, मतलब मेरे दादाजी हुए, तो मेरे जो दादाजी का जो प्रॉपर्टी है तो मेरे बाबूजी का भी प्रॉपर्टी रहा, वो मेरा भी प्रॉपर्टी रहा। ठीक है, तो हमारे अगर दादाजी अगर अमीर रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बाबूजी पास पैसा रहेगा, वो भी अमीर रहेंगे, और जब मेरे बाबूजी जब अमीर रहेंगे तो मैं भी अमीर रहूंगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर अगर देखते होंगे कि नहीं, कि अगर दादाजी अगर गरीब है, देखते होंगे अपने आस पड़ोस से अपने एरिया में कि उनके दादाजी अगर गरीब हैं तो देखिएगा उनका बाल बच्चा भी गरीब होगा। ठीक है, ये चीज को आप लोग देखते होंगे। मैं तो लगभग ये देखता हूँ, लगभग मैं अगर 100 लोग का अगर डाटा तैयार करूं तो 100 लोग में 95 लोग का स्थिति यही है कि उसका जनरेशन उसका गरीब था, उसका जनरेशन गरीब था, उसके दादाजी गरीब थे, उसके दादाजी गरीब थे, उसके परदादा गरीब थे, और अभी भी उसका जो पीढ़ी है, तीसरा चौथा पीढ़ी, वो भी गरीब है। ठीक है, तो ये जो गरीबी का जो मोहर लग गया ना माय डियर फ्रेंड, तो आपको ये मौका देता है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा बिजनेस है। ये गरीबी का धब्बा को आप अपने पीढ़ी से मिटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज आप किन्हीं के भैया हैं, किन्हीं के आप भाई हैं, किन्हीं के आप फादर हैं, ठीक है, किन्हीं के आप बेटा हैं, तो बहुत तरह का एक रिलेशन हो जाता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में अगर कामयाब नहीं बन पाए, सक्सेस नहीं बन पाए, तो सोचिए कि आपका पीढ़ी भी, फिर जो नीचे का जो पीढ़ी रहेगा वो गरीब हो जाएगा। अगर हम गरीब हो गए तो ऑटोमेटिक मेरा बच्चा गरीब होगा, निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, निश्चित वो गरीब रहेगा, उसके बाद उसका भी बाल बच्चा देखिएगा गरीब रहेगा। ठीक है, तो आज आप लोग के पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, वर्ल्ड का नंबर वन, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट। बस करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ सीखना है माय डियर फ्रेंड, पहले सीखना है। ठीक है, पहले सीखना है, जब हम सीख जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक हम वो चीज को चला पाएंगे। जैसे मैं सपोज दैट बात करूं कि अगर आपको साइकिल नहीं आता है चलाने के लिए, तो पता नहीं आप कितने बार गिरे होंगे सीखने के लिए, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप अच्छे अच्छे भीड़ भी एरिया में आप चला लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं सीख पाएंगे और अगर नहीं गिरेंगे तो आप बढ़िया से कभी सीख नहीं पाएंगे, इसे गिरना भी जरूरी है। तो आज मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, फिर मौका मिलेगा तो मैं इस बारे में और भी डिस्कस करूंगा, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज हमारे गुरुजी का जो सेशन है, जबरदस्त सेशन है,
यहाँ जो है देखिए, यहाँ सर का एक बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है जो अपना लोगो लगाए हुए आप लोग देख सकते हैं, वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, मतलब एक डिसीजन, एक निर्णय आपकी जिंदगी को यू टर्न कर सकते हो माय डियर। एक सोच, कहा जाता है ना कि एक चिंगारी आग लगाने के लिए काफी है जंगल में, मात्र एक चिंगारी आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी है माय डियर फ्रेंड। अगर एक चिंगारी होगा ना तो पूरा जंगल को जला के राख कर देगा, चाहे कितना भी बड़ा जंगल क्यों ना हो। वैसा ही अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग या एक सोच, एक आपका डिसीजन, एक आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक आपका स्ट्रॉन्ग निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है सर, जिंदगी को बदल सकता है। ये बात आप लोग आज गांठ बांध लीजिए। आपने अगर कमिटमेंट कर लिया कि मेरे को अमीर बनना है, हमको सक्सेस होना है, चाहे रास्ता में कितना भी पड़ाव क्यों ना आ जाए, कितना भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमको सक्सेस होना है तो होना है तो होना है। कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश वर्ड को हटा दीजिए, कोशिश का यहाँ कोई भी गिनती नहीं होता। कोशिश मैंने करा, कोशिश को हटा दीजिए, करना है मतलब करना है, सक्सेस होना है मतलब होना है, उसी का यहाँ वैल्यू है। कोशिश करने वाला कोई वैल्यू नहीं है, कोशिश आप नहीं करेंगे। आपने कमिटमेंट कर लिया कि मेरे को सक्सेस होना है, कामयाब बनना है, हमको रिट्रीट जाना है, हमको वर्ल्ड टूर जाना है, हमको करोड़पति बनना है, तो दुनिया का को कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। अपने आप से आप कमिटमेंट करिए, लोगों से कमिटमेंट में अपने आप से कि नहीं हमको बनना है, हम अमीर बनेंगे, मेरा बाल बच्चा अमीर बनेगा, ठीक है, आपका पीढ़ी सुधर जाएगा माय डियर फ्रेंड। पीढ़ी, अगर आप जितने भी हमारे रिनोवियन साथी मंच में जुड़े हुए हैं, अगर किन्हीं के फैमिली या परिवार लग रहा है कि गरीब है, बिल्कुल हम लोग गरीब हैं, बहुत दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है, छोटा छोटा चीज लेने में दिक्कत है, ठीक है, मनचाहा चीज हम लोग नहीं ले पाते, तो आपके लिए ये बेहतरीन समय है और बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया माय डियर फ्रेंड, बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से कभी भी गलती से भी मत उतरिएगा। ये बात मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये प्लेटफॉर्म से कभी गलती से भी मत उतरिएगा कि नहीं हमसे नहीं होगा, यार मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई भी काम को इंसान करता है, कोई भी काम को, एक्स वाई जेड कोई भी काम आप जानते होंगे, कोई ऊपर से कोई टपक के नहीं आता या माँ के पेट से वो सीखने जाता, ठीक है। असफलता आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा, कोई बात नहीं, टिके रहिएगा, डटे रहिएगा, कभी हार मत मानिएगा, 100% जीत सुनिश्चित है। हम लोग भी फील्ड में जाते हैं तो कोई बोल देता है सर खाएंगे तो कहीं साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा, तो बोले लाइव 4 कैप्सूल हम ही खा के दिखाते हैं, समझे, तो लोग बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उससे आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, सबके साथ होता है। हर कामयाब इंसान जो भी जीवन में है तो वो इस चीज को झेला माय डियर फ्रेंड, ठीक है, तब जाके सक्सेस मिला, ऐसे नहीं मिला, ठीक है, वो बहुत कुछ झेला अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय को न व्यर्थ करते हुए मैं अपने गुरुजी पीयूष सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आज का जो बेहतरीन टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, वो टॉपिक है आपका हाउ टू टॉक, मतलब कैसे हम बात करें, कैसे हम किसी से स्टार्टअप करें, क्या हम उसको बोले, ठीक है, आखिर में हम उसको क्या बोले अगला पार्टी को, आखिर में हम ये काम करते हैं तो अगला पार्टी को हम क्या बोले कि वो मेरा बात सुनने के लिए राजी हो जाए। तो आज ये जो मंच है, आज आप लोग को हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, जो कि मैं इनसे बराबर सीखता हूँ, आप लोग देखते देख पा रहे होंगे कितने कम उम्र के हैं, ठीक है, लेकिन नॉलेज इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और वो नॉलेज हम लोग को पर डे कुछ ना कुछ देते हैं। तो आज हम लोग फिर इनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे, और हम लोग भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं पीयूष सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पीयूष सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो मंच, ये माइक सर आपका है, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू पंकज सर। पीयूष सर, मेरी क्या हमारी आवाज क्लियर है सर? पंकज सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर। थैंक यू सो मच पंकज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से होस्टिंग किया, आपने हमें संबोधित किया, ये आपका बड़प्पन है। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई हम मेंटर हम नहीं है, कोई हमको ज्ञाता नहीं है, बस आप लोग तरह मैं भी सीखता हूँ और आप लोगों के समक्ष कुछ बात रखने की प्रयास करता हूँ सर।
दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीयूष कुमार और स्वागत करता हूं आपके आज के इस जूम सेशन में। और आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि हम जब भी फील्ड में निकलते हैं तो तमाम प्रॉब्लम्स हमें आती हैं और आपको भी आती हैं, तो इस प्रॉब्लम्स को हम लोग आज दूर करने का भरपूर कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आज मैं पूरा आपका डाउट्स को क्लियर आज करने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो लेट न करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय हो चुका है 7:20 और हमारे पास समय मात्र बचा है 20 मिनट, तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स आप लोगों के सबों के बीच कि सबसे बड़ा सवाल सक्सेस होने के लिए यहाँ पे सबको आया है, लेकिन सक्सेस सबको नहीं मिलती है, ये आपको भी पता है। सक्सेस उसी को मिलती है जो लगातार मेहनत करता है और जो लगातार कंटिन्यू प्लान दिखाता है, कंटिन्यू प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लोगों को देता है, उसी को सक्सेस मिलता है। यहाँ पे सक्सेस होने का सिर्फ एक राज है, सिर्फ एक राज, प्लान 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 प्लान, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। इसके अलावा यहाँ कोई ऐसा आपके पास हथियार नहीं है जिसके वजह से आप सफल हो सकते हैं। ये काम आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये डायरी में आप लिख लीजिए, जो भी सेशन में आपको ज्ञान मिलता है इस ज्ञान को आपको मार्केट में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो सफलता आपको नहीं मिलेगा, बस दाल रोटी नमक आपका चलेगा। लेकिन अगर सपने आपके बड़े हैं कि मुझे भी कार, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको सब प्लान करना पड़ेगा। लिस्ट आप लोगों को बनाना है, आपने आईडी ग्रीन कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया इस पूरी दुनिया से बीमारी और बेरोजगारी को दूर भगाने का, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन उसके बाद आपको एक काम और करना पड़ता है जो आप भूल जाते हैं फ्रेंड्स, और वो काम है आपका लिस्ट बिल्डिंग का। आप इस बात को समझिए, लिस्ट बिल्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप लिस्ट बिल्डिंग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लिस्ट बिल्डिंग नहीं करते हैं तो फिर आपका टीम कैसे बनेगा, किसको प्लान करिएगा आप हमको बताइए, किससे मिलिएगा? इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लिस्ट तो रहता है, लेकिन एक सेकंड का मैं टेक्निकल इशू है कुछ, एक सेकंड का फिर समय चंभा हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि आपके पास लिस्ट है, लेकिन आप उस लिस्ट को कैसे बात करेंगे, आप शुरुआत आपको कैसे करना है, ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। कभी भी अपने अंदर का कॉन्फिडेंस आपको नहीं खोना है, आपको आपका स्माइल कभी अपने चेहरे से नहीं हटाना है जब भी आप किसी को प्लान करने का काम करते हैं। और जब भी आप प्लान करें, आप सबसे पहले उस प्लान को अच्छे से रीड करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में आपसे बड़ा बड़ा धुरंधर खड़ा है सर। आपको अगर उनसे टक्कर लेना है ना, तो उनसे ज्यादा आपको जानना पड़ेगा और आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा काम हमको और आपको नहीं करना है। कितना आसान है, आप बाइक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसके बारे में कितना बार आप उसको देखते हैं, समझते हैं, दोस्त से पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, तब जाकर के आप उसमें पैसा देते हैं और अपना मनपसंद बाइक आप वहां से खरीदने का काम करते हैं। यहां भी आपको इस इतना बढ़िया प्रोडक्ट मिला है, तो आप इसका जानकारी लीजिए अपने अपलायंस से जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में आपको बताया है, और ऐसा जानकारी आप लीजिए कि उस जानकारी को आप सामने डिलीवर करने में आपके अंदर 110% आपकी कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होना चाहिए। ये काम आपको करना है, तब जाकर के आप आने वाले समय में 6 महीना साल में भर में एक अच्छा इनकम को कमा सकते हैं, और एक जो आप सोचे हैं सपना, उस सपना को आप पूरा कर सकते हैं। और ये कर लेंगे
क्योंकि जो कुछ नहीं जानता है वो आज लाख रुपया कमा रहा है। आप इतने अच्छे पढ़े लिखे होनहार हैं तो आप 4-5 लाख रुपया क्यों नहीं कमा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल। आराम से कमा सकते हैं, टीम बनाइए, लोगों को प्लान कीजिए। चलिए आते हैं हम सेशन पे। बाय द वे एक चीज आप देख रहे होंगे हमारे चेहरे पे मुस्कान और हमारे आपका ये क्या बोल सकते हैं रौनक, ये है आपको नोवा स्टीन का कमाल। अभी मैं सेशन करने के 5 मिनट पहले मैंने इसका इस्तेमाल करा था, आप देखिए कितना अच्छा इसका चेहरे में रौनक आता है। तो आप भी इस्तेमाल करिए और लोगों को इसके बारे में बताने का प्रयास आप कर सकते हैं और यहां से एक अच्छा इनकम को आप भी ले सकते हैं। यूज द प्रोडक्ट एंड गेट द इनकम, कितना अच्छा चीज है। आज हमको बात करना है अगर नेवर इवर प्री जज एनी वन, कभी भी आप किसी को प्री जज न करें कि वो मेरे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ये आप सोचने वाले कौन होते हैं? क्या आपको उनके सपने के बारे में क्या आपको पता है? नहीं पता है ना भाई साहब आपको उनके सपने के बारे में, आपको तो नहीं पता है। लेकिन आपको ये पता है कि वो जो काम कर रहा है वहां से उसका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो 9 से 9 काम कर रहा है, 12 घंटा वो काम कर रहा है, 8 घंटा वो काम कर रहा है, उसका सैलरी 15,000 है, 20,000 है, मैक्सिमम 20,000 है। अब 20,000 में आपको पता है कि अपना सपना को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन आप ये जज क्यों कर लेते हैं कि हम उसका 20,000 पैसा आता है हम उसको जाएंगे प्लान देने के लिए, वो करेगा या नहीं करेगा, ये आप क्यों सोचते हैं? ये आप ना सोचें, क्योंकि अगर उसके सपने बड़े हैं और आप उनके सपने को पूरा करने में अगर हेल्प आप उनका कर रहे हैं तो झक मार के आपके साथ वो ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके सपने को पूरा करने में उसका हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज ये इस माइंड सेट को अपने दिमाग से हटा दीजिए अब आप, कि हम उसको प्लान क्यों देंगे, क्यों मेरे साथ वो आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको सोचना ही नहीं है। वो आएगा फ्रेंड्स, आएगा। आप अपना कर्म तो करो, आपका काम है प्लान शो करना, आप अपना काम तो करो, वो आपके साथ आएगा। ऊपर वाला देख रहा है आपका मेहनत को, और अगर आप मेहनत नहीं भी कर रहे हैं वो भी ऊपर वाले आपको देख रहा है। ऊपर वाले का आंख हमेशा खुला रहता है। सफलता उसी को मिलता है जो लगातार मेहनत करता है। कुछ भी अड़चने आती है, कुछ भी होता है, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। आगे हम बात करना चाहेंगे, इफ यू थिंक व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू देम व्हाट विल पीपल थिंक, सबसे बड़ा सवाल है ये। अगर यही आप सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर यही आप सोच रहे होंगे तो लोग क्या सोचेंगे? रिपीट करना चाहेंगे इस बात को हम, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, देन व्हाट विल पीपल थिंक, तो आप सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सब चीज आपको सोचना नहीं है, सिंपल आपको काम करना है। क्योंकि कोई भी काम इंसान अगर 100% करता है ना फ्रेंड्स, तो उसका 50% कहीं नहीं जाता है, उसको मिल के रहता है, क्योंकि उसको उसका मेहनत है। तो आप भी मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में हैं, चलिए मैं बात करता हूं आप किसी भी फील्ड में हैं, वहां भी एक बड़ा पैसा अगर कमाना है तो आपको टीम बनाना पड़ेगा। रिलायंस ने टीम बनाया, अंबानी ने टीम बनाया, सब लोग टीम बनाया। एक घर जब बनता है वहां भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तब जाकर के घर बनता है। अकेला एक मिस्त्री क्या करेगा, क्या कर लेगा, घर उतना बड़ा बना लेगा वो? नहीं बना सकेगा, उसको टीम चाहिए ना, उसको हेल्पर। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि अकेले हम काम कर लेंगे? आपको भी टीम बनाना पड़ेगा। चलिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपको टीम बनाना पड़ेगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया। आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको टीम बनाना पड़ेगा, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करना चाहेंगे एक 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट में ही पूरा सेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस 10 पॉइंट को अगर आप आसानी से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि सामने हमको किसी इंसान से किस प्रकार से हमको बात करना है। आप सबसे पहले योद्धा बनिए, आप योद्धा।
सीखिए पहले, सीखेंगे नहीं तो सामने आप बता ही नहीं पाएंगे। 110% मैं आपको बता देता हूं, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं, सीखे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, हम लोग को भी चैलेंजेस आ जाती है। तो जो नहीं जान रहा है उसको तो आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। जो बच्चा स्कूल नहीं गया है, पहली बार जाएगा, तो उसको तो समस्या होगा। इस चीज को समझिए आप। सबसे पहला पॉइंट हम आपको बोलना चाहेंगे, बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। खुश रहिए, हमेशा खुश, एक्साइटेड रहिए। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं करने के लिए जिंदा हूं और मुझे ऊपर वाला भेजा है, मैं इस काम को करूंगा और करने के बाद मुझे सक्सेस होना है यहां से। बी हैप्पी, एकदम मुस्कुराते रहिए। सर दुखी तो पूरा है दुनिया है सर, आप भी अगर दुखी हो जाते हैं, उन दुखी आत्मा के साथ आप भी एगो ऐड हो जाते हैं। खुश रहिए ना, खुश रहने में कोई स्माइल करने कोई पैसे थोड़ी ना आपको लग रहा है। खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए आप हमेशा। यस सर कैसे हैं सर, बताइए सर, क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, क्या आपको प्रॉब्लम है। एक्साइटेड में सर हमेशा आप काम को एकदम खुश मिजाज आपको रहना है, क्योंकि आपके जो पास रहेगा ना, आपका पड़ोसी, आपके जो पड़ोसी रहेंगे या आपके जो टीम मेंबर रहेंगे या आपके अपलायन भी अगर आपके साथ रहेंगे, बोलेगा यार एक गजब का हीरा मैंने तराशा है, गजब का एक्साइटमेंट इसके अंदर होता है, कभी भी प्लान करता है प्रोडक्ट के बारे में, इतना अच्छा बताता है, क्या मैं आपको बताऊं। आपको लोग ढूंढेंगे, ऐसे इंसान को लोग ढूंढते हैं, पूजते हैं, उनको ढूंढते हैं कि यार ऐसा कोई मिल जाए जो एकदम एकदम एक्साइटेड बनता हो। तो आपको एक्साइटेड होना है हमेशा, आपको अपने आप में हमेशा एक्साइटेड होना है, ताकि आप लोगों के साथ जब आप प्लान करते हैं ना, तो वो आपके इस चीजों को देखता है कि किस प्रकार का इंसान है, क्या आपके साथ अपने इनके साथ अगर मैं अपना समय दूं तो क्या मैं सक्सेस हो सकता हूं, इस चीज को वो देखता है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, स्माइल करिए और एक्साइटेड रहिए आप हमेशा। दूसरा पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू गाइज। जब भी आप नए लोगों से मिलते हैं तो एकदम प्रिपेयर हो जाइए आप, एकदम। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो पहला इंप्रेशन होता है ना वो सबसे अंतिम इंप्रेशन होता है। जब किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो आप अपने आप में एकदम स्ट्रोंग हो जाइए, प्रोडक्ट को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि एकदम हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको सब कुछ आता है, क्योंकि इस चीज आपको वो देखेगा और हो सकता है कि अगर आपसे वो तेज होगा तो कुछ सवाल भी आपसे कर सकता है, और अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप जाएंगे प्लान देने के लिए, लेकिन आ जाएंगे आप प्लान लेकर के। ध्यान रहे सब चीजों को। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आपको बिजनेस प्लान का बिल्कुल पूरा तरीके से नॉलेज आपको होना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज भी आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो चीज आप बोल रहे हैं आंखों में आंखें डाल के बात करिए आप। हमें कोई चोर नहीं होना कि मैं अपने माथा को सर झुका के मैं बात करो, ये ऐसा प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जो लोगों को हेल्प कर रहा है, एक ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं जहां से लोगों की जिंदगी बदल रहा है, तो आप कुछ माथा झुकाने का क्या जरूरत है, सीना चौड़ा करके आप उनके साथ प्लान कीजिए। ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर में होना चाहिए, लगे कि एक इंसान से मैं आज मिला हूं दिन में, एक ऐसे इंसान से मैं आज दिन में मिला हूं, एक वाकई में वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हम अगर इसके साथ अपना करियर लगाते हैं तो हमको यहां से सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो पंकज सर ने आज काफी टाइम ले लिया था, मैंने आज दो पॉइंट पे मैं बात रख आया हूं, आठ पॉइंट हमारा रह जाता है, लेकिन एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद हमारा सेशन अंतिम की ओर हम जाएंगे। जब भी हम मीट न्यू गाइज विद कॉन्फिडेंस, जब भी हम नए इंसान के साथ मिलते हैं, तो मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कॉन्फिडेंस का कमी और चेहरे में स्माइल कभी कम नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि लोग आपके कपड़े को नहीं देखता है फ्रेंड्स कि आप क्या पहने हैं, लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखता है कि इसके सपने कितने बड़े हैं, और अगर इसके सपने बड़े हैं, मैं इनके साथ अगर काम करता हूं तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा मैटर है मेरे दोस्त, इस चीज को मैंने सीखा है, कहां से पता है, ये चीज मुझे किसी गुरु ने नहीं सिखाया, इस चीज मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, ये चीज को सीखे हम कहां से पता है, मार्केट से। अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो आपको आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा,
और एक अच्छा प्रकाश अगर आप प्लान कर दिए ना सामने वाले के पास बैठ करके, तो आपके साथ जुड़ेगा, बोलेगा भाई साहब कहाँ से हैं आप, क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आप प्लीज आप हमको अपने साथ में रख लीजिए, हम भी आपके साथ कामयाब होना चाहते हैं। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। बाकी पॉइंट में बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, समय हमारे पास बिल्कुल बहुत कम है। और मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, कभी कोई दिक्कत होता है तो 24/7 आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके हेल्प के लिए तैयार हैं। चाहे वो किसी भी से बात करवाना हो, मिलना हो, जो भी है आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, रॉकिंग जेनेटर्स, नमस्कार, मिलते हैं कल नए होश और नए जोश के साथ, क्योंकि हम और आप जीतने के लिए आए हैं और जीत के रहेंगे और जीत के दिखाना है। टीम गिरिडीह रॉकिंग जेनेटर्स, पंकज सर माइक आपका सर प्लीज। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन बेहतरीन रहा सर, जबरदस्त रहा, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए पीयूष सर, आप किन्हीं को इनवाइट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा, वो डायरी में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो डायरी और पेन लेके ही बैठता हूँ। जी सर, तो सबसे पहले तो लेना चाहेंगे सर, मनोज सर आपके पास आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। मनोज सर रॉकिंग नटस सर, रॉकिंग नटस आज का सेशन जबरदस्त रहा सर। मेरा कहना यही है सर, जैसे कि नॉलेज की धीरे धीरे तो आ ही रहा है सर, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत होता है तो आपसे संपर्क करेंगे हम। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। रिनोवियन से कहना है सर, एक ही बात कहना है, ये प्रोडक्ट सबको नहीं मिलता है सर यार, ये बार बार नहीं मिलता है। हमें लोगों को नसीब ठीक है जो कि मिल गया है, और मिल गया तो इसमें डट के काम करना है और पूरे होश और लगन से काम करना है और जोश के साथ करना है। सारे रिनोवियन से मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों, जो भी काम करें पूरे लगन के साथ करें और होश से काम करें, कोई भी कहीं भी जाए तो कोई हिचकिचाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से अपना प्लान को शो करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन चीज हमने तो मिल चुका है सर, बहुत ही बेहतरीन चीज। ये मतलब समझ नहीं मिलेगा सर, बार बार नहीं मिलता सबको, नसीब वालों को समझ देंगे कि लाइफ में कभी आपको बड़ा बीमारी नहीं होगा, बेफिक्र हो गए पहले ही आप, मतलब आप लाखों पर। मेरा कहना यही है, यदि कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं सर तो मेरे 500 रुपया 1000 रुपए का फीस लग जाती है सर, उसके बाद बस 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 ठीक होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है सर। और ये प्रोडक्ट में इतना कम है सर, हम देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, जो मेरे पिताजी अभी यूज कर रहे हैं, हम खुद जो साबुन है जो भी यूज कर रहे हैं हम सर अपने से, बहुत अच्छा हमको लगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, फिर हम लोग फिर बात करेंगे, तो पीयूष सर नेक्स्ट लिया जाए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। रमेश कुमार यादव सर, अगर हमारा आवाज आपको पहुंच रहा है तो आपके पास आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। रमेश सर, उसके बाद हम लेना चाहेंगे हरि कुमार भास्कर सर, आपके पास आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन तो पंकज सर का बहुत ही मस्त रहा सर, और थोड़ा देर में तो सुना क्योंकि कहीं व्यस्त थे और बाइक में थे तो पूरा नहीं सुन पाया, और पीयूष सर का भी थोड़ा देर तक मैंने सुना तो बहुत ही अच्छा, पंकज सर पीयूष सर के माध्यम से बहुत अच्छा बताया गया, और इसी तरह रेगुलर लगे रहिए सर, जरूर हासिल हो जाएगी। हेलो जी, बिल्कुल भास्कर सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। ओके सर, ओके, सबसे पहले पंकज सर आपके लिए बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ सर, इसके बाद में पीयूष सर को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और सर ने बताया कि हमें किस तरह से लिस्ट बनानी है, लिस्ट के बारे में बताए, और बहुत सर से कुछ सीखने का मौका मिला। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों को और सारे रेनोबियन को
कि मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जैसे हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, यदि सर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो सर मनुष्य की संरचना नहीं हो सकती है, तो उसी तरह हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हमारी लिस्ट नहीं है तो हम नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी लिस्ट होती है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। तो सर हमारे सारे दोस्त लिस्ट बनाए, अपने घर की बनाए, पड़ोस की बनाए, रिलेशन की बनाए, और जहाँ तक मैंने अनजान आदमी को तो भी बना सकते हैं बनाए सर। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ग्रेट ग्रेट सर, लिस्ट हम लोग का रीढ़ का हड्डी है सर, ठीक है, ग्रेट okay, सर ओके ग्रेट सर। सूरज सर आपको आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, सूरज सर आप आए और दो शब्द रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं सूरज सर कैसा लगा आपको आज का सेशन?